हेलो किड्स हेलो जी कैसे हो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीआरटी इनमें से कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डाउट्स के रूप में भी दिए थे सो आई विश के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और उन क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा है चाहे वो कैलकुलेशन लेवल लेवल पे पे हो चाहे अंडरस्टैंडिंग अदरवाइज़ इन टाइप ऑफ़ द क्वेश्चन वी जस्ट हैव टू द फॉर्मूला तो डिफिकल्टी कहाँ होती है इस में? को करने में, और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन में सो आई ट्राई टू माय माइंड एंड यू नो ओके सो आई एम ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे डबल मास्टर्स किया हुआ है और यू नो चौदह पंद्रह साल से मैं एक ही काम कर रही हूँ मैथ्स पढ़ा रही हूँ जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई नो की कौन से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं ओके जस्ट वांट टू टेल यू अगर आप इस लेक्चर को अपने लिए ज्यादा यूजफुल पाते हैं और अगर मेरे पुराने बच्चे भी यहाँ पे आए हैं तो प्लीज इस सेशन को लाइक देना ना भूलिएगा बिकॉज लाइक से मिलता है मेरे को मोटिवेशन एज वेल एज कॉन्फिडेंस सो दैट्स व्हाट आई वांट अच्छा शुरू करने से पहले एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इट्स वेरी लेकिन एक प्रॉब्लम uh, है जो बहुत सारे बच्चे इस वक्त फेस कर रहे हैं चाहे है, uh, yeah, लेकिन इसी चैनल के ऊपर दीन बंधु सर भी पढ़ाते है, हैं मैं पढ़ाती हूँ नाइन्थ क्लास तो ये चैनल दोनों तरह की क्लासेस को कैटर करता है वो आई वॉन्ट टू से एग्जाम्स आने वाले हैं चाहे वो नाइन्थ क्लास के हों या फिर टेंथ क्लास के हो दोनों क्लास के बच्चों के एग्जाम जस्ट कमिंग आगे ही है बिल्कुल सामने है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दिक्कत क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बता दी हूँ एक तो वो बच्चे जिन्होंने ट्यूशंस भी रखी हुई है स्कूल भी जा रहे हैं लेकिन शायद उन्होंने पढ़ाई करते हुए थोड़ी सी काम चोरी की और कुछ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा कुछ चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं नॉट ऑफ द बैस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश सोशल सब कोई ना कोई चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है तो बच्चा पार्टी आपको चाहिए हैंड होल्डिंग हैंड होल्डिंग कैसे मिलेगी अपनी इज्जत बचाओ यो पेरेंट्स के सामने थोड़ी शाबशी पाओ वट यू नीड यू जस्ट नीड नीटेंट वन थाउजेंड रुपीज फॉर वन मंथ सिर्फ एक हजार रुपए दीजिए एक मंथ के लिए एंड यू आर गेटिंग वॉट आपको मिलने वाला है सभी सब्जेक्ट्स का हैंड होल्डिंग

CBSE Term टू full syllabus. इसको हम करेंगे क्लिक ठीक यहाँ जाके हम क्लिक करेंगे अब आपको मिलने वाला है जादू लेकिन क्योंकि मैं हूं तुम्हारी दोस्त तो मैं आपको ये कहूंगी बिल्कुल ऐसा मत कीजिए शायद आपके एग्जाम से फेबर में ही या फेबर में खत्म हो जाएंगे ऐसा कुछ है ना और आपको चाहिए रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। व्हाट यू नीड टू डू जस्ट ट्राई फोर द फिफ्टीन डेज एक हजार रुपए दे के आप ट्राई कीजिए बट मैं आपको कहूंगी फिफ्टीन डेज के लिए वन थाउजेंड भी ज्यादा है क्यों सो डों कोपन कोड लगाओ और ये जो पंद्रह दिन है इसको प्लस फिफ्टीन पे पालो यानी कि पूरे मंथ के लिए वन थाउजेंड दे के सभी चैप्टर्स को आप बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअली रिवाइज कर पाओगे और इतना दिक्कत नहीं होगा जो आपको अभी झेलना पड़ रहा है चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हियर वी गो किधर थे हम यार इधर थे चलिए और हमारे बैचेस भी शुरू होने वाले हैं सीबीएसई का नाइन्थ क्लास का बैच सेवेंटी ये शुरू हो, तो हो चुका है यार ये तो शुरू हो चुका है टेंथ क्लास का सेवन फेबरी को शुरू होने वाला है तो आ जाओ ठीक है और मैं सब जगह पढ़ाती हूं और ये रही मेरे कुछ खास बच्चों के नाम ओके कुछ खास बच्चों के नाम कौराश प्रजापति नरेश डीएबीएस इंडिया उर्मिला रोशन एकम जिन्होंने मेरे पुराने क्लासेस का पुरानी जो भी मैंने पढ़ाया था उसमें मैं हर बार एक होमवर्क देती हूँ होमवर्क के आंसर दिए सो वेरी गुड किड्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अरे यार मेरे बच्चे तो आगे मैंने देखे ही नहीं हाय पार्थ हाय भावित हाय ब्यूटी हेलो सुरेंद्र शर्मा हेलो जी कैसे हो गेम सी देखो हर बार यू नो इट्स नॉट दैट की आपको मेन्टी मिलेगा क्योंकि मेंटी का एक खास मतलब इट्स मैं पूरा सेशन देख रखती हूँ मेन्टी के ऊपर क्लासेस के बीच में भी रखती हूँ आज जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना यार तुमको एनसीआरटी पार करवाना करने की जरूरत नहीं है सिर्फ एनसीआर मैंने कुछ क्वेश्चन क्लब किए मैंने सोचा आज के सेशन में सारे करवा देंगे लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को देखा द क्वेश्चन आर ये बिग एंड मेरा मतलब च्वाइस करने बैठी एक दो तीन चार दस ग्यारह बारह क्वेश्चन मैंने चूज कर दिए

यू आर पार्थ आई एम नॉट अ पार्थ आई एम अच्छा यश चलो भैया चलो आ जाओ ये एक क्वेश्चन है जो कि पहली ही एक्सरसाइज में है क्यूब सरफेस एरिया में दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हम इसको यू कैलकुलेशन के साथ कर देंगे सुनो so, no, समझो क्या है शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एंड ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकेंग दियर स्वीट्स ठीक है दो तरह के बॉक्सेस उनको चाहिए टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड द बिगर ऑफ द डायमेंशन तो दो तरह के बॉक्सेस हैं जो कि इस स्वीट शॉप से ऑर्डर किए गए हैं दो तरह के बॉक्सेस हैं दो ही तरह के उनके साइजेस होंगे वन इज अ बिगर बॉक्स जिसका साइज कुछ ही है ट्वेल्व सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर दर इज अ स्मॉल बॉक्स इज एंड टाइव इसके अलावा भी कुछ है इन्होंने कहा कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स ये चीज क्या है ओवरलैप्स क्या होता है फॉर ऑल द ओवरलैप्स फाइव परसेंट ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा अब ये थोड़ी झमेले वाली चीज हो गई शायद बच्चे आपको कंफ्यूज करे तो मैं किस लिए हूं आई एम हेयर टू यू नो क्लियर यूर कंफ्यूजन मैं आपको एक बॉक्स दिखाती हूँ शायद आपके घर में भी हो सर्फ एक्सल डू यू हैव दिस आई एम नॉट ब्रांडिंग दिस थिंग ठीक है मैं तो सिर्फ यूज करती हूँ यू तो ये जो चीज है ओवरलैप भी मैं समझा रही कि ओवरलैपिंग क्या होती है के साथ ही मर्ज हो रहा है। ये डब्बा खुल गया अब ये जब बंद हुआ देखो ओवरलैप कर रहा है ये चीज और ये चीज कार्डबोर्ड यहाँ पे ओवरलैप कर रही है आपको दिखाई दे रहा है इधर कोई ओवरलैपिंग नहीं है लेकिन यहां पे करेंगे तो ये ऊपर का जो ढक्कन है इसके ऊपर आ रहा है तो ये ओवरलैप कर रहा है इसको इतना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है तो जब बॉक्स बनाया जाता है तो वो हमेशा ओवरलैप करते हैं ताकि वो फिक्स हो सके तो ये उस ओवरलैप की बात कर रहे हैं कि जब बॉक्स बनाया गया जो कार्डबोर्ड यूज किया गया वो फाइव परसेंट ज्यादा यूज किया गया तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें हम फाइव परसेंट एक्स्ट्रा एड करेंगे टू एवरी टाइप ऑफ बॉक्स ठीक है तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ी छोटी हो जाती हूं मैं समझाती हूं आपको क्या कह रही हूं मान लीजिए सर्फेस एरिया होगा दो बॉक्सेस है एक मैंने कैपिटल एस ले लिया एक मैंने स्मॉल एस ले लिया ठीक है अब मैं क्या कर रही हूँ इसमें फाइव परसेंट एड करने का फाइव परसेंट किसका है इस बिग बॉक्स का टोटल यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज टोटल सर्फेस एरिया उसी का फाइव परसेंट हमने एड कर देना है सो एस प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड इंटू एस दिस इज ट्वेंटी और अगर मैं इसका एल सी एम एंड दैट इज ए ट्वेंटी तो आपके पास ये आ गया सरफेस एरिया आपने टोटल एरिया, ये आप कि मैम क्या? एस यार हम निकाल लेंगे। S is a total surface area जिसका फॉर्मुला होता है टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बट आई एम नॉट राइटिंग द होल तो मैं इसकी जगह सिर्फ कैपिटल एस लिख रही हूँ फॉर द बिगर बॉक्स छोटे के लिए हम स्मॉल एस लेंगे तो मैंने क्या बोला आपको ओवरलैपिंग के लिए फाइव परसेंट एक्स्ट्रा लग रहा है और आपको लगेगा कि यार इसकी तो इतनी सारी होगी हमारा तो पेपर में टाइम गया तो मैं आपको समझाने वाली इसकी calculation इत्तु सी इसकी ध्यान से देखना surface area volume calculation कि calculation से में कैलकुलेशन का ये आपने मैनेज सबसे पहले मैंने क्या कहा टोटल सरफेस एरिया का 5 परसेंट ज्यादा तो उसमें ऐड कर दिया हमने एल्सियम वगैरह लिया 21 वन ऐसा ट्वेंटी आ गया जहां पे ये एस की बात करें तो ये बिग एस है वी विल सॉल्व इट रुक जाओ भी। इसी तरह से जैसे ही इसको निकाला वैसे ही जो छोटा वाला है हमारा ओके जो छोटा डब्बा है उसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी तो बिग वाले का कैपिटल है स्मॉल वाले का ये वाला चलो ये तो हो गया अब सरफेस एरिया एस लेने की बजाय ये वाला सरफेस एरिया लिखने की जगह पे हम इसको ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इतना हमको चाहिए पहले दोनों का ऐसे निकालो फिर 5% परसेंट एड करो अरे यार नहीं मैं यही तो सिखा रही हूं कि किस तरह छोटे से कैलकुलेशन को अभी कर लोगे तो उस बाद में नहीं करनी पड़ेगी अभी आगे पढ़ते क्वेश्चन को देन इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज अ फो फॉर थाउजेंड मीटर यानी कि आपको कितना थाउजेंड यू नो सेंटीमीटर टीमीटर पे आपको चार रुपए खर्चने पड़ रहे हैं ठीक तो एक सेंटीमीटर के कितने खर्चने पड़ेंगे फोर अपॉन हंड्रेड ठीक है आपका कितना निकला आपका निकला ये वाली चीज जो भी आपका सरफेस एरिया निकला उसके लिए कितना करेंगे वन अपॉन एक और जीरो लगेगा वन अपॉन थाउजेंड इंटू एस ये आ जाएगा मतलब जो भी टोटल सरफेस एरिया निकलेगा उसको फोर अपॉन थाउजेंड से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई अब यहां पे थोड़ा किच पिच ज्यादा हो गया तो हम आगे चलते हैं मैं थोड़ा आगे लेके चलती हूँ जो बड़ा वाला बॉक्स है उसकी डायमेंशन क्या है एक सेकेंड इटन इज ए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एंड फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ये सब सेंटीमीटर में है ठीक है आई जस्ट डोंट टू वेस्ट तो इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ स्मॉलेस्ट कितना है एंड एंड तो इन दोनों का जब हम इसका हमने कहा कि जब आप ओवरलैप्स को एड करोगे ट्वेंटी वन अपॉइंट ट्वेंटी एस हो जाएगा इसके ओवरलैप्स को एड करोगे ट्वेंटी अपॉइंट ट्वेंटी एस आ जाएगा इन दोनों को जब एड करोगे इतना आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी कैपिटल एस प्लस ट्वेंटी एस और यहां से ट्वेंटी ट्वेंटी कॉमन निकाल लोगे कैपिटल एस प्लस स्मॉल एस आ जाएगा ठीक है यहां तक पहुंच गए अब ये तो हो गया सिर्फ सरफेस एरिया अब कॉस्ट भी निकालनी है अभी जो मैंने किया द कॉस्ट इज रुप फोर फॉर थाउजेंड मीटर स्केयर तो इसको कॉस्ट में चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर अपॉन थाउजेंड इतना ही नहीं ये जो डब्बे है, हैं दीज बॉक्सेस आर एक्चुअली टू फिफ्टी ईच दोनों बॉक्सेस टू फिफ्टी टू फिफ्टी है तो मैं क्या करें? देना ध्यान से बहुत ही आसान सा है दोनों को मैं टू फिफ्टी से मल्टीप्लाई करने वाली हूं अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है जो आपके मन दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं ना उसको क्लियर करते हैं 250 को इससे काटा 4 से गया और 4 को इससे 4 काटा तो ये पूरा कैलकुलेशन यूं ही जीरो हो गया कॉस्ट टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस दे जस्ट गेट कैंसल्ड हमारे पास बस इतना छोटी सी चीज रह गई है अब इसमें क्या रह गया है पहले उसको देखते हैं s और स्मॉल s इसको निकाल लेते हैं कि ये सरफेस एरिया क्या होगा लेट्स फाइंड इट आउट दैट इज 2 into, l into b B into H मैं सपोज कर रही हूं मैं ये मान रही हूं कि आप लोगों को ये फॉर्मूला आता है टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल राइट सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस इज फाइव हंड्रेड दिस इज हंड्रेड एंड दिस इज वन ट्वेंटी फाइव एंड देन स्मॉल इज इक्वल टू टू इंटू दिस इज फिफ्टीन इंटू ट्वेल्व प्लस सॉरी प्लस ट्वेल्व इंटू फाइव प्लस फिफ्टीन इंटू फाइव और इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा ट्विस्ट ऑफ आइए थोड़ा सा और कैलकुलेट करें इसको कैलकुलेट करेंगे इसका कितना आएगा ट्विस्ट ऑफ यहाँ पे कितना आएगा सिक्स हंड्रेड सेवन ट्वेंटी फाइव तो टोटल इज सेवन ट्वेंटी प्लस सिक्सटी That gives you, it's, uh, 240, ठीक है और टू फोर्टी प्लस सेवन इसको ऐसे रहने देते रुक जाओ टू फोर्टी प्लस यू ही रहने देते हैं एंड अब मैं क्या करने वाली हूँ ध्यान से देखिए अब मैं इन दोनों को एड करने वाली हूँ ये चीज और ये चीज क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इनको एड ही करना था यहाँ पे आई नीड टू एड इट सो आई एम एडिंग दीज बोथ ठीक है तो इसको हम ऐड करते हैं पेन किधर गया मेरा सो नाग इट्सो हम लिख लेते हैं एट हंड्रेड प्लस टू फोर्टी सो दिस इज इक्वल टू टू इंटू टू एट ट्वेंटी फोर और कितना आ गया ये कमऑन हाउ मच कितना आया भाई ठीक है हम ही कर लेते हैं अभी खत्म नहीं हुआ यारो अभी हमने इसको 21 upon 20 से मल्टीप्लाई करना है तो कहने का मतलब यह है जो मैं कहना चाहती हूँ वो बताती हूँ मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इंस्पाइट ऑफ कि आप पूरा इसको अलग अलग से करें बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं एक का कर्व सरफेस एरिया निकालते दूसरे का निकालते हैं फिर उसका फाइव परसेंट एड करते हैं उसमें 5 करते हैं। फिर दोनों को फोर था से मल्टीप्लाई करते हैं फिर जो आंसर आता है उसको 250 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करने से अच्छा था हम ट्वेंटी लिखें और यहाँ पे टू इंटू दिस इज सॉरी नॉट टू इंटू मैं सर्फेस एरिया को पूरा सर्फेस एरिया ही लिख देती हूँ कैपिटल एस प्लस स्मॉल लिखे सो हेयर वी कैन राइट कैपिटल एस प्लस दीज आर सर्फेस एरिया इंटू फोर अपॉन थाउजेंड लिखें so इंटू टू लिखें कट्ठा ही मल्टीप्लाई एक ही लाइन में कर लो बार बार मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है दिस सेव्स टाइम ये चीज आपकी टाइम बचाएगी और कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चंस को एक दो तीन चार बार घर निकाल लो ताकि पेपर में जाकर यू चुटकी से निकल जाए ठीक है अब यहां पे देखो ये सब तो कट जा रहे हैं ऐसे यूं ही कट गया और यहां से भी जो भी सरफेस एरिया का टू बाहर आएगा तो ट्वेंटी वन आ जाएगा यहाँ पे 2 8 दिस इज 284 जो भी है इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना और आपके पास फिर आंसर आ जाएगा दैट इज 2184 इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है इज इट क्लियर टू यू ऑल ठीक सो व्हाट्स इट अच्छा मैंने कुछ गलती की है रुक जाओ सो so, या मैं सॉरी मैं 24 ऐड कर रही होती देर से या इट्स नॉट 24 दिस uh, इज 1040 राइट कितना आ रहा है 1040 आ रहा है हां ट so करने के बाद you will get 1, 0, 4, 0. यहां पर भी हम लेंगे ले, ट्वेंटी वन को वन जीरो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो नीचे था दैट इज टू वन एट फोर वी आर गेटिंग ठीक है बच्चा नहीं नहीं मैथ बिल्कुल हार्ड नहीं है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ठीक है हाँ जी आगे क्या शिवागरे मैम वेदांतों की वेब सीरीज स्टार्ट है वेव सीरीज तब मुझे नहीं पता लेकिन आप वेदांतों पे आ जाओ आपका जो भी फेब है आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे और बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करवा देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया वन थाउजेंड रुपीज में सिक्स आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे सभी की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी पूरे महीना रहेगा आपके पास एंड यू हैव अ टू ऑप्शन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कंटेंट वेली में इंग्लिश बट टीचर हो सकता है हिंदी में बात करे सो दैट इज वॉट वी हैव ठीक है आ जाओ बस चलिए सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं दिस इज ये जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था दैट इज फ्रॉम थर्टीन पॉइंट वन दिस इज फ्रॉम थर्टीन पॉइंट टू ये भी काफी इंटरेस्टिंग ये उससे ज्यादा इजी कैलकुलेशन है बट यहां पे भी एक गलती बच्चे कर देते हैं इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया इसमें क्या है लैम्प शेड ओके आई थिंक एवरीबडी नो वॉट इज लैम्प शेड लैम्प के ऊपर जो शेड होता है ठीक है अब ये जो लैम्प शेड है इट्स लाइक जस्ट लाइक अ सिलेंडर सिलेंड्रिकल लैम्प शेड उसके ऊपर लगा हुआ है इन द फिगर यू कैन सी फ्रेम ऑफ द लैम्पशेड इट इज बी विदेकोटिव क्लॉथ अब कोई क्रिएटिव बच्चा था मैं तो इतनी क्रिएटिव नहीं बहुत से ऐसे क्रिएटिव लोग हैं जिनको लगा कि यार ये शेड बहुत फीका फीका सा है इसके ऊपर एक प्यारा सा क्लॉथ लगा देते हैं ध्यान रहे शेड ऊपर से भी खुला होता है ताकि लाइट रोशनी बाहर आ सके और नीचे से भी क्योंकि नीचे से बल्ब अंदर जाता ऊपर से रोशनी बाहर आती है तो शेड को लगाना शुरू किया एक डेकोरेटिव क्लॉथ इसमें क्या हुआ इट इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ एंड द फ्रेम इज हैज अ बेस डायमीटर 20 तो फ्रेम का अगर बेस डायमीटर 20 है इसका मतलब है इसका जो रेडियस होगा वो 10 होगा मैं तो फटाफट से डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो इसका कंफ्यूजन बहुत तड़ा होता है यार सो रेडियस इज अ टेन वी शुड राइट इट ओके लेट्स चेंज माय कलर ठीक है तो आई थिंक ये ज्यादा दिख रहा है आर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर इज अ रेडियस Now the height, इसकी जो हाइट है वो थर्टी सेंटीमीटर अब यहाँ पे धोखा होता है क्यों आगे देखो द मार्जिन ऑफ टू पॉइंट फाइव सो यू है मार्जिन ऑफ अ टू पॉइंटिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम क्या कह रहे हैं मान लेते लैम्प शेड है मेरे को तो मिला नहीं तो मैं ये लिया थोड़ा पिक्चर को बड़ा कर लेते हैं शायद अब दिखाई दे ये लैम्पशेड ऐसे ऊपर यू नीचे बल्ब लेकिन वो ऊपर से भी खुला होगा यहाँ पे खुला नहीं है ठीक है ज अट वी हैव इसके ऊपर मेरा मन किया तो मैंने एक पेपर ले लिया आपको समझाने के लिए ठीक है इसके ऊपर हमने डेकोरेटिव क्लॉथ चढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल इस पेपर को मैंने चढ़ाने का सोचा अब ये ऐसे थोड़ा चिपकाएंगे कुछ एक्स्ट्रा ऊपर भी रखेंगे क्लॉथ कुछ नीचे भी एक्स्ट्रा रखेंगे सो दट वी कैन फोल्ड कैसे फोल्ड करेंगे देखो ये डेकोरेटिव क्लॉथ मैंने पकड़ा हुआ है अब हाउ वी आर फोल्डिंग इसको इधर से फोल्ड करेंगे न, देखो एक मिनट मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ सुवर्ण यहां से इधर से देख पा रहे हो चलो इधर से दिखाती हूं प्रॉपर फोल्ड कर देते हैं ये प्रॉपर इसको शेड को फोल्ड कर दिया मैंने अब आप देख सकते हो जब हम फोल्डिंग करेंगे तो ऊपर कुछ क्लॉथ रह जाएगा और नीचे भी कुछ क्लॉथ रह जाएगा क्यों छोड़ा इसको सो दट वी कैन टक इट लाइक दिस ताकि हम इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर सके समझ रहे हो समझ रहे हो अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया मैंने इसलिए हम कर रहे हैं दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस तो ये जो लैंप शेड था इसके ऊपर इस 2.5 यानी कि यहां पे ओके लेट मी टेक द ब्लैक कलर ओवर हियर यहां पे 2.5 सेंटीमीटर और लैंप शेड के नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया सो दैट वी कैन टक इट लाइक दिस तो जो एक्चुअल में क्लोथ है उसका लेंथ कितना हो जाएगा इट्स लेंथ विल बी थर्टी प्लस टू पॉइंट फाइव प्लस टू सेंटीमीटर बस इतना सा झोल था अब ठीक तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको विजुलाइज करना पड़ता है यू नो विजुलाइजेशन यू कांट डू इट सो यू कि क्या है इसमें क्या एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है वरना क्वेश्चन आप गलत कर देते अगर हाइट आप थर्टी लेते समझ रहे हो हाय uh, हाई जानवी हाँ जी सक्षम समझ में आ रहा है ना सभी को या थर्टी फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा अब हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द लैमशेट सिंपल इसका सी वो निकालेंगे सी ए सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है इसका टू पाई आर एच सो जो सबसे फॉर्मूला टी टू बास इन टू हाइट इसको काटा ये फाइव आ गया सो दैट विल बी टू टू जीरो जीरो सेंटीमीटर इज एन आंसर कितना आसान था लेकिन अगर टू पॉइंट फाइव ऊपर नीचे ना ऐड करते तब होता डिफिकल्ट तब थोड़ा दिक्कत आती है ना समझ में आ रहा है या स्केयर भी लिखना है बिल्कुल आधा नंबर मेरा कट गया था तुमने बताया तो ठीक हो गया ठीक है भैया सबको क्लियर हो रहा है ये किसी के दिमाग में कोई यूपी वाले हाउ टू मैथमेटिक्स बेटा आप हमारे चैनल पे जाओ इतनी सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनना है और आई थिंक ये तो एक uh, मैंने सेशन भी किया था यू विल गेट इन प्ले लिस्ट ठीक है दिस चैनल ठीक भाई चले आगे चलो सो लेट्स दिस इज द प्रॉपर आंसर वो आप देख सकते हो यार लाइक like जरूर ठोक देना इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ नहीं तो मैं तो सीधा इस क्लास को वन शॉट में खत्म करने वाली थी बट आई थॉट कि नहीं ये गलत होता मतलब मुझे थोड़े से और questions करवाने चाहिए इस के। के पूरा मैं आई चलिए। ऐसे पांच है तुमको मेरे को पांचों क्वेश्चन में झेलना पड़ेगा देखिए इसमें क्या दिया हुआ है वॉट लेंथ ऑफ दिन पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद करेंगे थोड़ा छोटा होना पड़ेगा मेरे को। कोई क्लॉथ है हमारे पास इस क्लॉथ को फोल्ड करके ये कोन बनाया गया है ठीक है अब क्लॉथ तो मेरे पास नहीं लेके आई मैं बट ये जो कागज मैं आपको दिखा रही थी उसी को ले लेते हैं ये जो पेपर मेरे पास है आ, ओके ये क्लॉथ है इससे मुझे क्या बनाना है कोन बनाना है तो जब हम कोन बनाएंगे कुछ यू फोल्ड करेंगे ठीक है और कुछ एक्स्ट्रा भी देखो एक्स्ट्रा मार्जिन भी होंगे ना है ना एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायर्ड होंगे और कुछ वेस्टेज भी होगी बनाते हुए ये देखो पीछे इसको ज्यादा वेस्टेज हो रही है तो मैं इसको कट करूंगी यहां से तब भी एक प्यारा सा बन सकेगा टेंट तो जब भी हम किसी कपड़े से किसी चीज को बनाते हैं ओवरलैपिंग भी होती है वेस्टेज भी होती है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है सो so ये जो मैं आपको बता रही हूं दिस इज अ क्लॉथ ठीक है इससे बना दिया गया भैया इससे बना दिया गया टेंट विद दिस यू जस्ट डू द टेंट लेंथ इसका कितना है थ्री मीटर वाइड ये थ्री मीटर वाइड है थ्री मीटर वाइड है एंड नाउ इट्स गिवन टू यू लेंथ आपको ढूंढनी है आपको विड्थ दी हुई है चलो ठीक है ये 3 मीटर नहीं है दिस दिस इज नॉट अ 3 मीटर यू नीड टू फाइंड आउट तो भैया ये तो तुमको ढूंढना था ये ढूंढना है और ये आपको दिया हुआ है 3 है तो विड्थ इज अ 3 एम इसका एरिया कितना होगा मान लेते ये l है तो क्योंकि रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा 3l है ना अब इसी चीज से इस कोन को बनाया गया है इस चीज से इस कोन को बनाया गया है तो इस कपड़े का जितना एरिया होगा वही इस कोन का होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। वी आर टॉकिंग अबाउट जो कपड़ा ये है जिससे हम कोन बना रहे हैं दे आर सेम तो वॉट एवर इज एन एरिया ऑफ दिस क्लॉथ दैट शुड बी द एरिया ऑफ दिस टेंट तो टेंट का जो सी है, है भाई जो भी टेंट का सीएसए है और जो इसका थ्री एल यानी कि इसका एरिया है दोनों होंगे सेम यस और नो यस और नो मींस, दिस इज अ अ टाइप टाइप ऑफ क्लॉथ एक क्लॉथ का ठीक है या मुझे बताते जाओ अगर कोई डाउट आ रहा है क्लियर अच्छा इसका सीएसए कितना होगा पाई आर एल उप एल तो है ही नहीं तो जल्दी से मुझे एल निकाल के चैट बॉक्स में दो मैं इसको पकड़ दूंगी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इसमें राइट एंगल ट्राइंगल होता है मेरे बच्चों हाइट आठ है रेडियस सिक्स है यू नीड टू फाइंड आउट एल तो एल कितना होगा ओहो क्या क्या बात क्या बात हाँ जी जान भी रही है मैम कैन से टेंट टेंट हाँ मैं शायद कुछ गलत बोल रही टेंट राइट यस इट्स टेन इट्स टेन ठीक है तो एल कितना होगा टेल इसका एल इसका एल टेल होगा अब दोनों के सरफेस एरिया को करते हैं इक्वेट

एंड दिस इज इंटू थ्री थ्री टू या सिक्स कैलकुलेट कर लो इसको कितना आ गया ये बी mm, फोर्टी तो सेवन कितना होता है सेवन सिक्स या फोर्टी टू ट्वेंटी सेवन टू फोर्टीन ओके फोर्टीन देन सिक्सटी सेवन फिर सेवन सिक्स या फिफ्टी सिक्स कुछ ऐसे आएगा? से आएगा तो देख लेते हैं यार Calculation इसकी कितनी आ आ आ आ रही 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 है? है। 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 है? है। अच्छा इन्होंने लिया। अब अभी खत्म नहीं हुआ। question में छोटा सा एक और झोल है। क्या तो है? लिख लेते हैं। Assume that extra length, मतलब जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटीरियल है चाहिए क्यों ताकि मार्जिन को ओवरलैपिंग को

जीरो पॉइंट टू मीटर एड करते ही इसका आंसर क्या हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है मैंने ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन क्यों पकड़े क्योंकि थोड़े से हटके हैं क्वेश्चन बच्चे सारे सोल्व कर लेते हैं The thing is, extra, जो लेंथ हमने करना वो नहीं करते करते या फिर कई बार बच्चे क्या हैं कर देते ठीक चोट है ऐसी छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है ओके okay, मीनू जी समझ गए आपका सजेशन ले लिया हमने इसमें मैं आपको दो बातें सिखाना चाहती हूँ इन दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज आई थिंक थर्टीन पॉइंट फोर का क्वेश्चन है ये

फोर डी आएगा क्योंकि उसका डबल है रेडियस कितना आ जाएगा इसका रेडियस इज डी बाई टू यहां पर रेडियस कितना आएगा टू डी रेडियस क्या होता है डायमीटर बाय सो यू आर गेटिंग डायमी अब आपको क्या पूछा रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया अब जब सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है तो किसको पहले ले किसको बाद ले ये बताओ मून को पहले ले कि अर्थ को बताएं जरा दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से इज नॉट या ट्रू अच्छा ठीक है रेशो सक्षम बता रहा है पर मैं आपसे पूछ रही हूं होम सरफेस एरिया आई शुड कीप इट इन द न्यूमिनेटर और किसका मुझे डिनोमिनेटर में लेना चाहिए वो बताइए ऑफ यू यस मून का मेरे को न्यूमिनेटर लेना चाहिए और अर्थ का मुझे डिनोमिनेटर ऐसा क्यों सोचा मैंने क्वेश्चन में पहले मून की बात की गई या फिर अर्थ की तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए सो दिस इज अ मून अर्थ या फिर डिवाइड करते हो मून रेशो अर्थ हां इन दोनों के क्या है सरफेस एरिया सरफेस एरिया उन दोनों के करने हैं सो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द मून दैट इज फोर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज अ फोर पाई आर स्क्वायर व्हाट वी नीड टू डू फोर पाई फोर पाई कैंसल एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव हेयर इट इज डी स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय uh, 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 किसे डिवाइड कर रहे हैं 4 d स्क्वायर ट वी आर गेटिंग डी स्केर बायर इंटू फोर इनकेर डी स्केर कट गया मैडम क्वेश्चन देखिए समझ ही नहीं आता न्यूमिनेटर किसको रखना है डिनोमिनेटर किसको रखना है न्यूमिनेटर उसको रखो जिसकी पहले बात की गई है डिनोमिनेटर उसका रखो जिसकी बाद में बात की गई है बिकॉज दे आर आस्किंग फाइंड द रेशो ऑफ देयर सर्फेस एरिया

अभी तक जितने मैंने चार क्वेश्चन कराए अगर आप फोकस करें दैट इज रिलेटेड टू द द एरिया दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वॉल्यूम अब इसमें क्या एक है एक गोडाउन है ठीक है बड़ा सारा गोडाउन है तो मैं गोडाउन बनाने की कोशिश करती हूँ <laughs> इसको नहीं बनाया जा सकता बट इट्स जस्ट लाइक अ अड ठीक है थोड़ा सा क्यूबॉइड है तो ऐसे कुछ गोडाउन होगा ये डब्बा है ना एक रूम मान लो बड़ा सारा अब इसकी कुछ डायमेंशन भी दी हुई है दैट डायमेंशन इज अ अटी मीटर फिफ्टीन मीटर एंड सॉरी ट्वेंटी फाइव मीटर विथ और 50 मैंने ऐसा क्यों लिखा वेन एवर यूर राइटिंग लाइक एल बी ऑर्डर में ही लिखा होता है ठीक है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, ईच मेजरिंग दिस दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस गुडाउन करेट क्या होते हैं करेट एक लकड़ के बने हुए एक यू नो वुडन आप कह सकते हो एक सांचा सा होता है जैसे कि मैं यहाँ पे बना दूसरे ऐसे 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 मतलब इसमें लकड़े लगी होती हैं जस्ट फॉर टू होल्ड थिंग्स आप होल्ड कर सकते हो इसमें थिंग्स है ना क्रेट इज ऑलवेज टू होल्ड समथिंग इसके ऊपर आप बोरियां रख सकते हो कुछ भी बैग कुछ रख सकते हो सो so ये जो क्रेट है उसके अंदर पड़े हैं और उसकी डायमेंशन भी आपको दे रखी है कि इस डायमेंशन के क्रेट होंगे दैट इज गिवन टू यू ठीक है तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है आपको पूछा है कि कितने क्रेट आप रख सकते हो इसके अंदर जब भी आपसे ऐसी कोई चीज पूछी जाए फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम टब है, आप कितने आइसक्रीम की कोन निकाल सकते हो तो आपको क्या करना है बड़ी चीज का वॉल्यूम ऊपर रखना है छोटी चीज का वॉल्यूम नीचे रखना है और उसको डिवाइड कर लेना है अब एक गलती बच्चे क्या करते हैं पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं मैंने कहा बड़ा वॉल्यूम ऊपर छोटा वॉल्यूम नीचे बड़ा वॉल्यूम क्या है 40 into 25 into 1.5 छोटा वॉल्यूम क्या क्या है into into ऐसे लिखने से होगा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई ऑल दिस थिंग्स ठीक है एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे एक और मेजर गलती बच्चे करते हैं सेंटीमीटर मीटर वो देखते नहीं है ऐसा होता है कई बार किसी एक के डायमेंशन मीटर में दियो किसी एक के डायमेंशन सेंटीमीटर में दियो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो है ना बिल्कुल सेम हो देखो इसमें सब मीटर मीटर है तो डरने की बात नहीं ठीक है अब मैं क्या करूंटीन को हटा के यहाँ पे टेन लिख देती हूँ इस फाइव पॉइंट uh, को हटा के decimal को इसको, 10 लिख देते है। इसको हटा के uh, अरे मेरे अगर दिख नहीं रहा आपको है ना मेरे नीचे आ गया इसको हटा के इसको यहाँ पे हंड्रेड लिख देती हूँ तो मैंने डेसीमल्स को एडजस्ट कर लिया अब हम कटिंग शटिंग करते हैं फिफ्टीन फिफ्टीन कैंसल्स

तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड दैट इज द आंसर मुझे प्राइस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सानिया प्राइस मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं ध्यान रखा करो अगर पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करना है पर थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस थाउजेंड मीटर स्क्वायर तो इसी सेशन का पहला क्वेश्चन देखना उसमें मैंने प्राइस उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है ठीक है जी हाँ जी सो बाकी चैप्टर्स हम एक एक करके करेंगे करेंगे थाउजेंड ही हंड्रेड आ रहा है भाई चलिए अब कैलकुलेशन देख लेना इसकी क्या है लेकिन ये फॉर्मल सोल्यूशन है वी विल सी ये रहा आपका आज का होमवर्क आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी हो देखो जिसने पढ़ना उसको तो अच्छी लगी होगी अब कुछ बच्चे YouTube पे इसलिए भी आते हैं कि उनको मजे मजे चाहिए थोड़े से है ना टीचर से तो वो ट्यूशन पे भी पढ़ लेते हैं वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ लेते हैं एंड दे कैन डू द स्टडीज इन द स्कूल अब मस्ती भी तो करनी है यहीं पे मेंटी शेंटी होना चाहिए नाम नुम ले हमारे टीचर पर ये सेशन इस चीज के लिए नहीं था इज़ जस्ट फॉर द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक जिम्मेदारी बनती है आपके लिए होमवर्क फॉर यू थैंक यू मेरे बच्चा थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू और प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाते रहिए आई कैन अंडरस्टैंड की बहुत कम बच्चे हैं ऐसे अगर मैं अभी मैंटी करवा रही हूँ मेंटी वॉर चल रहा था तो पचास सौ बच्चा आ जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए दस बच्चा भी नहीं दबकता हाँ जी थैंक यू जी कुछ और रिक्वेस्ट हो मेरे लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे होमवर्क के अलावा भी हम बातें कर सकते हैं यू नो इन द कमेंट बॉक्स कुछ अपने डाउट्स हो तो वो भी लिख दो एनसीआरटी से वो मैं अगले सेशन के लिए पिक कर लूंगी ठीक है लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए वेदांतों पर आना तो जे एस पी आर ओ जे एस पी आर ओ का कूपन कोड जरूर लगाइए ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके डिस्काउंट के बिना हम पूरे पैसे क्यों दिए यार थैंक यू थैंक यू जी